और नेपाली भाई आ जाओ, तुम्हें तुम्हारी माँ का वास्ता हो, आ जाओ नेपाली भाई, आ जाओ यार, शुक्र कैसा रामी वास्ता भाई नेपाली भाई आ गया। रखी में दो टमाटर, दो चिली, ये हैं जी हमारे बैंगन जो कि आज बनेंगे, जो कि गीले करके हमने रखे हुए, ऑयल डाल लिया जी माशाल्लाह। रुस्तम सरी नहीं करना तुमने, मोबाइल छोड़ो ना। ये देखिए जी बैंगन वाला सालन हमने डाल दिया इसमें, अब इसको हम कर देंगे जी ओपन से ढक्कन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप सबको रमज़ान मुबारक की 12वीं सहरी जो है वो अभी मुबारक होगी इंशाल्लाह। कुछ टाइम के बाद 12वीं सहरी है, रात का टाइम है, और अभी अभी हम मार्ट से वापस आए हैं और कुछ चीज़ें मंथली ली हैं। जैसा कि आपको पता था कि मेरे पास मंथली जो सामान था वो ख़त्म हुआ था, तो मैं अभी कुछ मतलब थोड़े सा स्टॉक उठा के लेकर आया हूँ, जिसमें मेरे पास कुछ सब्ज़ी है, जिस तरह के ये बैंगन हो गए, अच्छा ये गार्लिक है हमारे पास, कुछ थोड़ा सा मैंने ये लाया, और इसी गार्लिक का पेस्ट भी मेरे पास मौजूद है, ये अच्छी बात है। तो ये अपना हो गया पोटैटो, इसी तरह टमाटर मैंने लाए हुए लेकिन फ्रिज में पड़े हुए हैं, वो भी मैं आपको दिखा सकता हूँ। हाँ ये देखें, ये टमाटर है हमारे पास, और ये जो मैं कह रहा था कि मेरे पास पेस्ट हुआ हुआ पड़ा है, ये देखें, तो भैया किचन में तो मैं आ चुका हूँ लेकिन टाइम हमारे पास बहुत शॉर्ट है। आप इस तरह करें जल्दी जल्दी चटपट चट फटाफट दौड़ के जाएं, हमारी सहरी देखें, हमारी सहरी में कौन लोग हैं, क्या शुगल मेला हो रहा है, और मैं बनाता हूँ जब तक सालन। आप सहरी करके आएंगे तो सालन इंशाल्लाह तैयार होगा, तो सालन तैयार होते ही ब्लॉग को मारेंगे जी एंड। आने वाली भाई मियाँ मियाँ एक पेपर दे दो भाई, एक तो भाई बदतमीजी नहीं करे, अच्छा हम दोनों ने भी खाना है माशाल्लाह, सहरी दोनों ने भी खाना है माशाल्लाह, सहरी आ गई तो कैसे खाएंगे, ऐसे मुंह से बैठ के खाएंगे, यहाँ दरमियान में रखा गया है ना। अच्छा अच्छा दरमियान में रखा गया, अभी दरमियान में हो गया, ठीक है। बाली भाई मियाँ मियाँ जो है मियाँ मियाँ, चावल नहीं लाया तुमने, कोई बात नहीं है, खाएगा वैसे ही खाएगा, खाओ भाई खाओ, माओ के बच्चों से कात खाओ। रुस्तम सहरी नहीं करना तुमने, मोबाइल छोड़ो ना, टाइम शार्ट है हमजा, सहरी नहीं करेगा, सही बात है, सहरी नहीं करोगे नेपाली भाई, इसको बोलो 5 मिनट रह गया सहरी नहीं कर रहा। मियाँ मसी कल नाजरीन, अभी हमारे पास पराठे खत्म हो गए हैं, ये अभी सरगोधा का हो गया भाई, अभी हमारे पास कोई चीज नहीं है, ये सरगोधा का भाई है, देखो भाई इसकी जान नहीं है, पराठे एक पराठा ले आओ, एक पराठा एक, और कुरैशी पराठे खाता नहीं बस चखता है, इसकी जान नहीं है बेचारे की, जान नहीं है, इसकी जान नहीं है, लेकिन ये इस तरह खाना खाता है, बेटा मेरे पास बहुत जान है, इसने महीना खाना ही नहीं खाया, मैं तुझे जान, और ये हां पराठे चखता है, ये हमजा भाई है, इसको भी आप देख के नहीं महसूस कर पाएंगे कि ये रोटी खाता होगा। हाँ मैं रोटी नहीं खाता, मैं पराठे रोटी तुझे खा जाती है ना, लेकिन ये बेचारा 7-8 पराठे एक टाइप पे किधर भी नहीं छोड़ता। दुआ करें जी नेपाली भाई वापस आ जाए, छोटा सा था नेपाली भाई गया, अभी मैं बड़ा हो गया, अभी तक वो बंदा यार वो पराठा लेके नहीं आया नेपाली भाई, वेरी बोर्ड हो रहा, अब भाड़ा नेपाली भाई नहीं आया यार, यार कैसी बातें कर रहे हो, हमारा मुस्लिम भाई है अभी तक नहीं आया पराठा लेके, रेडी कार पर आवे, घूमी ना किधर घूमी ना गया हो। और नेपाली भाई आ जाओ, तुम्हें तुम्हारी माँ का वास्ता हो, आ जाओ नेपाली भाई, आ जाओ यार, शुक्र कैसा रामी वास्ता भाई नेपाली भाई आ गया, किधर था तुम, अच्छा नया बना के लाया मियाँ मियाँ, नेपाली भाई आ गया जी माशाल्लाह, आया पराठा आ गया, पराठा नहीं और नहीं खाएगा आप, और आज रोजा नहीं रखेगा, दो पराठे खाए जी आज नेपाली भाई। गेट से बाहर आते ही विगो वे जलाई खड़ी भी देखी है अभी। फाइनली जी सारी तो हो गई हमारी, अभी नमाज शमाज की तरतीब है, देखें नमाज का इंशाल्लाह जी। तो मुझे उम्मीद है आप लोग सहरी करके आ गए होंगे, यहाँ पर रखे हुए दो टमाटर, दो चिली, ये हैं जी हमारे बैंगन जो कि आज बनेंगे, जो कि गीले करके हमने रखे हुए हैं, और ये रहा हमारा न्यू कुकिंग ऑयल, और ये रही हमारी देचकी। सबसे पहले इसको खोल लेते हैं, ये खोल गया जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम।
ऑयल डाल लिया जी माशाल्लाह। ये लग गया चूल्हा जी माशाल्लाह। अब ये सारा माल मवेशी उठा के हमने उसमें डालना है इंशाल्लाह। जल्दी से इन टमाटरों को भी मैं काट लेता हूँ कैमरा के इधर रख कर। तो जी अब इनकी भुनाई है, इनको मैंने डाल दिया है। बैंगन को आप पहले डालें ताकि बैंगन जो है वो खटास नहीं मारते, फिर खटा खटा पान उनमें नहीं आता। ठीक है, पहले बैंगन को भूनें आप। सो जी टमाटर भी कट के हैं, मसाले जात भी आ चुके हैं, ऑयल भी हो गया, ये भी भुनाई इसकी तकरीबन हो गई है। इंशाल्लाह बैंगन तैयार होने के बाद आपको मिलते हैं। ओके जी, बैंगन हमारे तैयार हो चुके हैं। इस डालेंगे इस वाली देचकी में और यार से लगाएंगे ऊपर ढक्कन। ये देखें जी, बैंगन वाला सालन हमने डाल दिया इसमें। अब इसको हम कर देंगे जी ओपन से ढक्कन। तो जी ये थी आज की छोटी सी शेयरिंग। सहरी, सालन, शुगल मेला, ये सारा कुछ आपको बताया। अगर आपको हमारा ये ब्लॉग अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर लाजम करें। मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। इस परदेसी को दें इजाज़त। वस्सलाम।